आवाज लास्ट रोजा, आखिरी रोजे की सहरी हो रही है। ये टिक्का हम आते हुए ले आए थे, चाय हमने बना ली है, ज्यादा हैवी का मूड नहीं है, बस एक ही टिक्का लाए और बस मैं चपाती से और ये खाएंगे पराठे पराठे से। और है किसका ये? हॉट एंड रोल। हॉट एंड रोल का गुलशन। टेस्ट बहुत ही अच्छा है और वाकई जब ये खुला है ना इसकी स्मेल ने जाना वो दिल बाग बाग कर दिया। अब दिल बाग बाग कर लें क्योंकि 15 मिनट है बस। सहरी के बाद अभी सो के उठे हैं और उठने के बाद बस निकल पड़े हैं क्योंकि इन्हें फिर इन्हें कहाँ पे जाना है, बिजनेस वालों को देखने जाओ, वालों को छुट्टी भी नहीं, दूसरा दिन है तो इसलिए जरा मैंने कहा कि पहले इन्हें इनकी बाइक दिला दें ताकि ये जाएं। पहले मैकेनिक से बाइक ले लेते हैं, बाइक लेने और मैं ले लूँ जरा शेरपुर में की चीज़ें ताकि मैं उसके लिए भी थोड़ा काम शुरू कर दूँ और इन्हें भेज के इनकी बाइक पर फिर मैं वापसी में ईद के कपड़े देते भी आ जाऊँगी कि वो इस्तरी हुए या नहीं हुए पता चल जाएगा। चलें भाई अब जरा ना शीर खुरमे की चीजें चाहिए। छुआरे बादाम पिस्ते और खोपरा। खोपरा नहीं मिलता उसमें यार, फजूल बातें मत किया करें यार, ये फजूल वाली हरकतें नहीं करा करें ये के जी को चेक करा के दीजिए। हाँ। नहीं मैं रोजा इनका नहीं है, इनको खिलाएं, ये इनके पास ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये मेरी तीन चीजें पिस्ते बादाम और छुआरे आधा आधा पाव। अब मैं बनाने लगी हूँ शीर, तो उसके लिए मैंने फिलहाल ये थोड़े से छुआरे कट किए हैं और ये थोड़ा सा मेवा ग्राइंड किया है और ये थोड़ी सी सब्ज इलायची जो है हरी इलायची ये ग्राइंड की है। अब मैं दूध बॉईल करने रखूँगी और उसमें ये तीनों चीज़ें ऐड करके मैं दूध को थोड़ा बॉईल करूँगी, इसका टेस्ट आ जाए ताकि दूध में। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे अपना पॉट रखा है, इसमें मैं 2 लीटर दूध है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। एक सारी चीज़ें जो ग्राइंड करके रखी हैं ये मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि थोड़ा टेस्ट आए दूध में। ये मेरा दूध जो है कुछ ज़रा ऐसा हो चुका है, अब मैं ज़रा इसमें सेवइयां डालने की तैयारी करूँ। तो मैंने क्या किया है कि 1 कप फेनिया ली है, मैं जो शीर बनाती हूँ वो फेनियों की बनाती हूँ सेवइयों के बजाय, और 1 कप की चीनी ली है और यहाँ मैं अभी फ़िलहाल ड्राई फ्रूट्स जो है वो कट कर रही हूँ जो हमने बाद में इसमें ऐड करने हैं। ये है जी मेरे पास अनसॉल्टेड बटर, इसका मैंने जो बार है वो हाफ़ कर लिया है, हाफ़ मैं यूज़ करूँगी ठीक है और हाफ़ मैं रखूँगी फिर कभी यूज़ करने के लिए। अब इस हाफ बार को मैं ऐड करूँगी पैन में, अब जब ये मेल्ट होगा तो इसमें हम अपनी जो फेनियाँ हैं उनको ज़रा हल्का सा बादामी सा कर लेंगे, कलर दे देंगे अच्छा सा, ज़रा ये हो जाए तो फिर हम करते हैं आगे। हो गया जी बटर मेल्ट, अब हम इसमें ये डाल देंगे अपनी फेनियाँ। और एक चीज़ मैं भूल गई बटर में ऐड करना, हम डाल देते हैं साबुत हरी इलायची जी। तो ये कुछ हो गया है मेरी फेनियों का कलर चेंज, अब मैं इन्हें ऐड करूँगी दूध में। सेवइयाँ मेरी ऐड हो गई हैं इसमें, अब मैं इसमें चीनी भी ऐड कर देती हूँ। बस अब ये थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा हो, फिर इसमें मेवा और थोड़ी कलाकंद ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी केवड़ा। अब क्या ऐड हो रहा है?
अब क्या ऐड हो रहा है? लेट करा दिया, अब क्या ऐड हो रहा है? नहीं कलाकंद। और शीर कितनी रही यार है, मेवा डल चुका है। अच्छा मेवा भी डला है। अच्छा थोड़ी सी देर पकेगा, हाँ चला दो ताकि इसकी जो गुठलियाँ उठलियाँ हो ना वो खत्म हो जाए। बस अब 4-5 मिनट पकेगा, शेर कोरमा तैयार। ओके ये मेरा शेर खोरमा तो हो गया भाई, खुरमा खुरमा जो भी कहते हैं भाई, से शीर हो गई मेरी ये तैयार। और अब मैं इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी क्योंकि मैं तो होंगी नहीं यहाँ पे, ये मुझे लेके जानी है, इसलिए ठंडी होगी तो फिर मैं इसको पैक करूँगी अपने ससुराल लेके जाने के लिए। Few moments later. शैलेन जी, एक ठुकने के बाद वो तो हमने आपको दिखाई नहीं थी कंडीशन इसकी, लेकिन बाइक जो है वो अब ओके हो गई है। और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है, अच्छा औकात से ज़्यादा अच्छी हो गई है। वो भाई ने ठुकने से पहले ऐसी ज़रा भी नहीं थी, मीटर में कुछ नहीं दिखता था, मीटर भी चेंज हो गया, सीट कवर सारे, इंडिकेटर्स, अच्छा अब इंडिकेटर्स को भी उन्होंने भाई ने जो है कपड़े पहना दिए और डेक लाइट को भी कपड़े पहना दिए, बिल्कुल ही बाइक मेरी चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा मेरा ये सिलसिला है कि मैं ले जाके बाइक दे देता हूँ, बस बोलता हूँ जो जो काम है इसको ओके कर दें, मुझे तंग ना करें कहीं पर भी। तो ये बाइक ओके हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको गाड़ी भी दिखाते हैं जी, ये देखें गाड़ी। अब स्मेल तो हम आपको सुना नहीं सकते इसकी फ़ोन वीडियो पे, लेकिन गाड़ी अब ओके हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सीट कवर चेंज हो गए, पहले गाड़ी की हालत इस काबिल नहीं थी कि दिखाई जाती ये। हाँ हैं नहीं दिखती होगी, लेकिन इतनी अंदर से नहीं दिखती थी। 20 मिनट्स लेटर। चलो भैया फिर अफ्तार ये है, चने की दाल और मसूर की दाल के पकोड़े, पापड़, समोसे, फ्रूट चाट, ब्राउन सोसे, और ये हमारे फेवरेट मीठे दही बड़े हाफिज के, और ये शरबत। आज हम आखिरी इफ्तार पे चले गए थे मेरी अम्मी के घर, तो वहाँ हमने अफ्तारी जो दिखा दी, अफ्तारी की, उसके बाद चार मुबारक के खाने लगे क्योंकि अम्मी अपने घर में सबसे बड़ी है, तो सब खाने लगे उसमें लग गए सब। अब यह है कि हम घर जा रहे हैं वापस क्योंकि मैं शीर बना के रखी आई थी बाहर, अब उसे फ्रिज में रख के फिर हम जाएंगे अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराने। और एक मसला ये हो गया है कि इन्हें याद आया कि इनके पास ईद से पहनने के लिए नए बनियान नहीं है, हमारे पास एक जे डॉट है आखिरी आस पा के सभी का बनियान ले लें तो वो लेंगे। और क्या काम है आज हमें? बस यही काम है, गाड़ी का ऑयल चेंज करवा रहे हैं। सबसे पहले से मेन काम अब यही रह गया कि कल गाड़ी में जितना टाइम हमने लगाया आज आखिरी काम हमारी महरूबा ये रह गया, हम इसका ऑयल चेंज करवा रहे ताकि ये हमें तंग ना करे, बस और कोई काम नहीं। और ये है कि रमजान खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रमजान गए, जो जो सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया, हर लिहाज से जो कुछ भी सोचा था अल्लाह ताला वो सब कबूल करे। हमने तो अपने हाथ से कर लिया, अपने एंड से जो हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। ऐसे रमजान मुबारक जो है वो अलविदा हो चुका, अलविदा हो चुका, जा चुका बल्ला पाक में, अगले रमजान तक हमारे अमल अच्छे रहे, आमीन आमीन। एक दफा फिर लास्ट टाइम गई बिफोर ईद पार्किंग गई जे डॉट, लेकिन निकल रही है ये गाड़ी, निकल रही है, उसे पता है ये हमारी जगह है। और आप ये देखें जहाँ हमने लास्ट टाइम पार्क की है, पार्किंग द्वारा वही मिल रही है। देखें इतना ना देखें किसी का, क्यों नहीं इतराएंगे, हाय 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 ऐसा लग रहा है पार्किंग, इस पार्किंग पे खड़े करने से जे डॉट अपने आम हो जाता है, हमें डिस्काउंट तो देता है जे डॉट इस पार्किंग पे खड़े करने से, बस कर दो चेट और जाके तो पता चला कि अब उनके बनियान नहीं आते, तो इसलिए फिर हमें चैनवन आना पड़ा। चैनवन हम कभी भी नहीं आते, मेरे ख्याल से मैं जब से टेंट में आई हूँ ये मेरा कोई सेकंड दफ़ा मुझे आना पड़ा है, इंतहाई शदीद मजबूरी है। एक दफ़ा मुझे बेड कवर चाहिए था अर्जेंट, और अब ये बनियान चाहिए थे। ये हम आ गए अपने फेवरेट पम्प पे शेल हाईवे, अपनी मेहरू का ऑयल चेंज कराने।
वॉश भी करा लो ऊपर ऊपर से। तो कराइए वॉश, में देखते हैं वॉश अगर टाइम नहीं लगते बाकी टाइम चेक करवाने। लोग जा रहे हैं चांदबाग बनाने, फॉलर्स मॉल्स में, मार्केट्स में, मिठाई की दुकानों पे, फूलों की दुकानों पे और खैर हमने ये सारे काम कर कर लिए। हम कल मॉल भी चले गए, मेहंदी लगवाने भी चले गए, सब कर दिया। अब वापसी में अगर हुआ ना तो मैं कहूँगी एक टेंट उतार का चक्कर लगाते हैं, थोड़ी सी रौनक मार के टेंट में या फ्रेडीज या फोटो जहाँ का हो वाला किया वहाँ चलेंगे। घर आ गए, अब बज रहे हैं 12। अब बस मैं लग रही हूँ, अभी थोड़ी सी क्लिनजिंग करूँगी, ऑयलिंग करूँगी, नमाज पढ़ूँगी और लेट जाऊँगी। और क्योंकि सुबह जल्दी उठ के तैयार होके ससुराल के लिए निकलना है, नमाज ये वहीं सबके साथ पढ़ते हैं, इसलिए बस सब ये 3-4 घंटे मेरे पास होने के लिए बस इसी में मैंने सोना है। तब ईद पे मिलते हैं इंशाल्लाह। Later that same evening. चलो जी, अब क्या हो रहा है? कार की ब्यूटिफिकेशन के बाद अपनी ब्यूटिफिकेशन होगी। जो गंजपन हो रहा है ना, ये उसका इंतजार हो रहा है। कोई बात नहीं, गंजपन तो होना है क्योंकि फ्यूचर तो ब्राइट है। चलो चलो जी, ये क्या हो रहा है? ये जरा ईद के लिए खुशबू का इंतजाम है। अच्छा, तो घर में खुशबू है इसलिए अच्छा लगता है। अब एक बोल में निकाल के अब डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। अच्छा, कुछ मनी प्लांट में डाल के इसमें फूल उगाएंगे? फूल उग के नहीं आएंगे, इनमें खुशबू फैल जाएगी ना। भैया हमें तो ईद पे ये सब काम करने का भेज देना शौक है, अब कोई है बदशौक हमारे साथ रहने वाला तो हम क्या करें? हम तो अपना शौक पूरा करेंगे ना। अच्छा, तो क्या अब और कहाँ कहाँ डालेंगे ये? ये जहाँ जहाँ मेरे मनी प्लांट लगे हैं उनमें डालेंगे, उसके बाद बस इसमें मैं पानी भर के इस बोल में जिसमें मैंने निकाले हैं उसमें पानी भर के मैं अपने बेडरूम में रखूंगी। मेरे चश्मे भी खुशबू आ जाएगी। चश्मे और अपने आप की खुशबू के लिए हाल अच्छी होनी चाहिए। ओहो, ये तो सुना इनकी।